में आँख कैसे खुलती है, जैसे पता नहीं जैसे कोई अफसर आँखों के सामने आके खड़ी हो जाए। नहीं नहीं जाए, अरे मैं कहीं गया ही नहीं एग्जाम की वजह से, अभी आज ही फ्री हुआ हूँ। है टांग नहीं आ रही है, अरे अटक गई यहाँ पे। पहले उगेश्वर चलो। हाँ रोड भी थोड़ी अच्छी हो गई है और पानी देखो कैसे बह रहा है पहाड़ों के बीच में से। सामने आपको दिखेगा ये जो रास्ता जा रहा है ऐसे ऐसे होके, तो इस पे चलना है अभी अपन को। पूरा पहाड़ वाला रास्ता है ये जगह भाई ऑसम है भाई ऑसम। उदयपुर में के पास इतनी अच्छी जगह होगी पता नहीं था मेरे को, अगर मुझे मेरा फ्रेंड नहीं बताता तो शायद मैं इससे चल जाता बिना देखे इसको। यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये राजस्थान है, इतना इतनी खूबसूरत। ओहो, नीचे भी एक रास्ता है, आई थिंक वो गाँव की तरफ जाता होगा उधर से। लुक क्या औसम जगह है मैन, लोग भी बिल्कुल ना के बराबर लोग थे यहाँ पे, ना के बराबर। जिसको पता है बस वही आता है, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ खाली, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अभी गाड़ी बंद कर दी मैंने अभी। मैं मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा मेरा, मतलब इतनी सुंदर जगह है, इतनी ब्यूटीफुल है कि बिल्कुल मन नहीं करता, मतलब मन करता बस कि वहाँ पर जस्ट रिलैक्स होकर बैठ जाओ और बस चिल मारो, कोई कुछ काम नहीं कुछ दाम नहीं, इतना सुकून है वहाँ पे, कोई इतने लोग भी नहीं है वहाँ पे माउंटेन मतलब पहाड़ी के ऊपर, वहाँ पे इतने लोग भी नहीं है तो पूरा खाली पड़ा है। बादलों के बीच में से आप बस नज़ारे के जो है आप लुत्फ़ उठा रहे हो बस, और क्या जी यार लाइफ में। सीरियसली मैन दिस प्लेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। बाय द वे मैं जो हूँ उदयपुर से जो है मैं 20 किलोमीटर आगे हूँ, ये कोई जगह है जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है, तो सीनरी देखा था यहाँ पे तो इसलिए मैं रुक गया। बट क्या बताऊँ यार, जो मेरा दोस्त था वो आगे चला गया है, उसको पता नहीं कि मैं यहाँ पे रुका हूँ, तो शायद वो देख रहा होगा कि कहाँ रह गया मैं। चलते हैं जो यहाँ से निकल रहे हैं और अब जाएंगे फतेह सागर झील, उदयपुर में है, तो चलते हैं अब आगे। गोप्रो मेरी एक बैटरी डिस हो गई थी व्लॉगिंग में और दूसरी जो ये हाफ है, तो मुझे थोड़ी बैटरी बचानी पड़ेगी, इस चक्कर से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊँगा। बट मैन वर्थ इट, मैन वर्थ इट, यहाँ पे आना जो है पूरा वर्थ हो गया। फतेह सागर राइट, तो
बोटिंग हो गई, मज़ा काफ़ी आया। आगे मेंशन थी तो इतना हवा नहीं लगी मेरे को, मेरे को नहीं लगी, मेरे को पीछे बैठना चाहिए था, बट पीछे लेडीज थी, कोई बात नहीं, मज़ा आया। उदयपुर आए तो ये तो करना चाहिए। तो ये है अपना गणगौरी घाट। हो गए दो चार स्पॉट कवर, जो मेन मेन थे, मतलब जो मुझे घूमने थे वो मैंने घूम लिया। और अब जो मैं जाऊंगा घर पे अपने, हाल फिलहाल के लिए प्लान फिक्स नहीं है, ये भी चेंज हो सकता है। तो अभी मैं पिछोला झील पे, और अब यहाँ से जो है वो जा रहे हैं, तो वहीं पे मिलते हैं।